हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने खड़ी है KTM की ड्यूक 250, जो कि BS6 मॉडल है। तो इस बाइक में लगी है 248.8 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करती है 29.6 BHP और आपको इसमें मिल जाएगी 24 Nm की टॉर्क। तो सामने की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो इसकी हेडलाइट सेम टू सेम 390 ड्यूक के जैसी है। तो अभी BS6 मॉडल में इसको अपग्रेड किया गया है और आपको ये हेडलाइट देख सकते हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसकी हेडलाइट। और सामने में बात किया जाए तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है USD फोक्स, जो कि WP कंपनी का है। और आपको टायर मिलेगी 110 सेक्शन की और आपको डिस्क मिल जाएगी 320 mm की। और ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ। और पीछे में भी आप लोग देख सकते हो, ये बाइक ABS के साथ आती है और आपको डिस्क मिल जाएगी 230 mm की। और आपको टायर मिलेगी 150 सेक्शन की और आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी। और इधर ग्राफिक्स की बात किया जाए तो ये बाइक आती है ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, ये टैंक आ रही है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, ये ब्लैक कलर में है। और ये आ रही है मैट कलर के साथ, जो ग्रे कलर में है। और इधर आप लोग देख सकते हो 250 एंड ड्यूक की आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में भी आपको वही स्टिकरिंग आपको मिल जाएगी, देख सकते हो 250 का और ड्यूक का। और रियर में आपको KTM का स्टिकरिंग मिल जाएगा इधर। और इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे KTM का लोगो। इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ छोटा सा KTM लिखा हुआ है। और इस बाइक का चेसी भी आप लोग देख सकते हो, ये ऑरेंज एंड ग्रे कलर में आती है, जो कि ग्लोसी कलर में है। आप लोग देख सकते हो, ये चमक रहा है। और यहाँ पे आपको इंजन कॉइल मिल जाएगी। और ये आप लोग देख सकते हो रेडिएटर बाइक की। और ये बाइक लिक्विड कूल सिस्टम के साथ आती है, तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग कूलर डाल सकते हो यहाँ पे। तो चलिए इस बाइक को थोड़ा चला के देखते हैं और फील कैसा आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाइक में पावर बहुत ही बढ़िया है और बाइक का इंस्टेंट रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। बाइक बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्स देती है, थ्रोटल देते साथ ही बाइक आपको खींच के ले जाएगी। भाई बहुत जल्दी ये बाइक 100 टच कर देती है। KTM की बाइक इसलिए ही जानी जाती है कि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है, इंस्टेंट रेस्पॉन्स इसका बहुत ही बढ़िया रहता है। KTM का हर बाइक का इंस्टेंट रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहता है। और इस बाइक में आपको दो मोड्स भी मिलेंगे, जो एक है रोड मोड्स और एक मिल जाएगा आपको सुपर मोटो मोड। सुपर मोटो मोड में आपका ये बाइक का ABS अपने आप ऑफ हो जाएगा। अगर आप लोग रोड मोड पर चलाओगे तो इस बाइक में दोनों ही डुअल चैनल ABS काम करेगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स है कि बाइक में आपको स्विचेबल ABS मिल रहे हैं। तो जब आप लोग चाहे आप लोग सुपर मोटो मोड में बाइक चला सकते हो, और जब आप लोग को ऐसे ही नॉर्मल चलाना है तो आप लोग रोड मोड में चला सकते हो। और बाइक का हैंडल का पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो हैंडल का पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। और KTM की ब्रेक्स भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, जितना जल्दी बाइक स्पीड पकड़ती है उतना जल्दी ही बाइक रुक भी जाएगी। और जो लोग थोड़ा प्रो लेवल के हैं उनके लिए ये बाइक सब है, क्योंकि इस बाइक में जितना ज़्यादा पावर है इसका ब्रेकिंग भी उतना ही खतरनाक है। तो जितना आपको गाड़ी भागने के लिए पावर मिल रहा है, उतना ही आपको पावर इसको रुकने के लिए भी मिल रहा है। तो इसका ब्रेकिंग भी बहुत ही बढ़िया है और डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये बाइक BS6 मॉडल की है और स्मूथ भी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो इसका हम लोग अभी देखेंगे थ्रोटल रेस्पॉन्स कैसे रहती है, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग है सेकंड गियर में, आप लोग देखिए। अभी बढ़िया रेस्पॉन्स दे रही है भाई, और आप जो जा रहा हो ना, लग रहा है मैं रॉकेट चला रहा हूँ। भाई बाइक का रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है
ये बाइक जो पावर डिलीवर करती है ना, आपको लगेगा आप लोग रॉकेट में उड़ रहे हो जैसे, ऐसा लगेगा। तो इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही टाइप का बाइक बहुत पसंद है, थोड़ा एग्रेसिव रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे ही आप लोग इस बाइक को थ्रॉटल दोगे वैसे ही ये बाइक आपको पुल करके ले जाएगी। तो इस बाइक के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाइक का मीटर है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आरपीएम मीटर है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाइक का टेम्परेचर कितना है यहाँ वो दिखाता है, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, यहाँ आपको फ्यूल कितना है वो दिखाएगा। तो इस बाइक के मीटर्स में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक बात, ये बाइक आती है दो मोड के साथ, तो एक मोड है सुपर मोटो मोड और एक मोड है रोड मोड, जो कि आप लोग कंट्रोल कर सकते हो ये बटन के साथ। ये मोड बटन है, इसको आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप वन ट्रिप टू भी मिल जाएगी, उसके साथ आप लोग देख सकते हो अभी बाइक है सुपर मोटो मोड में। और इसको हम लोग को अभी रोड मोड पे लाना हो तो ये जो सेट बटन दिख रहा है आपको, इसको आप लोग प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद छोड़ने से ये आ जाएगी रोड मोड पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। और एक बात, अगर बाइक रोड मोड में है तो बाइक का डुअल चैनल एबीएस वर्क करेगा, और अगर आप लोग इसको सुपर मोटो मोड में डालोगे तो बाइक का बस फ्रंट व्हील का एबीएस वर्क करेगा। तो मैं इसको अभी प्रेस करता हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी बाइक आ जाएगी सुपर मोटो मोड पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स बाइक में दिया गया है। और ये बाइक आती है साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर के साथ, अगर आप लोग गियर पे रहोगे तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। और आपको इस बाइक का बैक लुक आपको दिखा देता हूँ। तो इस बाइक की बैक लुक कुछ ऐसी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैक लाइट इस बाइक की, तो ये भी एलईडी में आती है। और आप लोग ये इंडिकेटर देख सकते हो ये भी एलईडी में आती है। और यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाएगी, और ये आप लोग बाइक का एग्जॉस्ट देख सकते हो। और ये बाइक आपको मिल जाएगी स्प्लिट सीट के साथ, और इस बाइक का सीट थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, तो आप लोग अगर कहीं पे लॉन्ग टूर जा रहे हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। और इस बाइक में आपको मिलेगी 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो चलिए मैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ। तो ओवरऑल इस बाइक की बात किया जाए तो ये बाइक बहुत ही बढ़िया है, आपको सिटी में चलाने के लिए बाइक बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि इस बाइक में टॉर्क भी है और बीएचपी भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। तो आप लोग इस बाइक को चला के कभी बोर नहीं होंगे। और इस बाइक की हेडलाइट की बात किया जाए तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका आप लोग डीआरएल लाइट देख सकते हो, ये एलईडी में आती है, तो ये भी बहुत ही ख़तरनाक दिखती है। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी बोलना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the...